बचा वो कांग्रेस ही थी जो 60 सालों तक एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण को सटकते रहे, मनुवादियों के हवाले करते रहे, के समझ में नहीं आया। आज भूरी उन्हीं की बखारत करते हैं ये, इनको शर्म नहीं आती। ये मनुवादी सोच के लोग हैं। आरक्षण खत्म हो गया, देश की सारी शिक्षा खत्म हो गई, आज फिर भी ये मनुवादी सुधरने को राजी नहीं है। इधर सुनो, इधर सुनो, आज जो आए हैं एससी एसटी जितने भी लोग हैं, 90% गवर्नमेंट जॉब के कारण ये अपलिफ्टमेंट हुआ है। और एससी एसटी रिजर्वेशन किसने दिया था? कंस्टिट्यूएंट असेंबली में कांग्रेस ने एहसान किया। हां अरे भाई, वोट लिया तो रिजर्वेशन दिया ना, तभी तो वोट लिया। फिर 27% दिया, तभी तो दिया। प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया कांग्रेस? आप बनेंगे ना, आप बनेंगे प्रधानमंत्री। देखो प्रधानमंत्री कौन होता है? प्रधानमंत्री कौन बनता है? बहुमत दल का नेता जो लीडर होगा हाउस में, पार्लियामेंट में, लोकसभा में, उसमें आपका कैसी बातें कर रहे हैं? अनुभव वाली बात कर रहे हैं। क्या नहीं कर रहे बात? मतलब लीडर, आप सांसद चुनते हैं? क्या जी? सांसद चुनते हैं आप? सांसद चुनता है ना प्रधानमंत्री? जो सांसद चुनेगा 200 वहाँ पर, जो मान लो 500। नहीं, अब यही प्रक्रिया चल रही है, पहले घोषित हो जाता है। कोई जरूरी नहीं है। क्या मनमोहन सिंह 2004 में घोषित हो गया था? क्या जनता पार्टी के टाइम में घोषित? इधर सुनो ना, 2004 में घोषित हो गया था, 1977 में घोषित हो गया था, 2004 में घोषित था मनमोहन सिंह। भैया वो सब इन्होंने उस समय भी ये सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बना रहे थे, ओबीसी के नेताओं ने विरोध किया, तो सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री ना बना के इन्होंने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया मजबूरी में, क्योंकि देश कंगाली में जा रहा था, देश को कोई बूझ नहीं रहा था। मनमोहन सिंह की पॉलिसी आई थी जो देश को ताकतवर बना रही है, एमपी जिसके पास, उसके बावजूद फिर राहुल गांधी कांग्रेस क्या जी? उदित राज्य को टिकट दे रही है कांग्रेस? क्यों नहीं देगी अभी कांग्रेस? राज्यसभा, इधर सुनो, लिसन मैन, सुनो अभी, पहले अभी कितने दलित राज्यसभा भेजे अभी? किसने कितने भेजे बताओ? किसने? अरे कांग्रेस ने कितने राज्यसभा भेजे अभी दलित, जो पीछे चुनाव हुआ 3 महीने पहले? देखो ऐसा नहीं है, दलित कितने भेजे? नहीं, अंधभक्त नहीं बनते हैं, अंधभक्त नहीं बनते, उसमें मुस्लिम भी बना। की कमेटी में कितने दलित हैं बताइए जरा? देखो हर चीज बात ही सुनो, पहले सुनो, सुनो ना, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पहले पूछ लो एक ही बार सारा, तुम पहले क्वेश्चन कर लो सारे बात को, कर लिए ना, अब बताता हूँ। हर चीज जो है ना, मायावती ने भी है ना अपना सेक्रेटरी कौन रखा था? सतीश चंद्र मिश्रा को रखा। क्यों रखा? उसको दलित आदमी नहीं मिला, क्यों रखा बताओ ना? उस समय आप बताओ, मायावती बनती है ना, उसे कौन था सेकंड मैन? कौन था? तो खाली कास्ट से नहीं होता है, बहुत सारे क्वेश्चन देखा जाता है। पीएल पुनिया कांग्रेस में भी थे, पीएल पुनिया थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एससी को रख लेगा, सिर्फ एससी को रख लेगा, ओबीसी को रख लेगा, सबको रखा जाता है और देखा जाता है भाई कौन बोलने वाला है। बात ये नहीं है कि इधर सुनो, विचारधारा की बात है, इधर सुनो, विचारधारा की बात है। बीजेपी में भी तो बहुत ओबीसी है, बीजेपी में सुन लो ओबीसी प्राइम मिनिस्टर है, और इसने जनरल कास्ट को, आप बाबा साहब को मानते हैं? बहुत मानते, नहीं मानते आए किस लिए? कांग्रेस ने भारत रत्न, इधर सुनो ना पहले, भारत रत्न क्यों नहीं दिया? अरे ठीक है, बहुत सारे चीज, इसलिए कांग्रेस हार गया, इसलिए कांग्रेस हार गया, ठीक है मैं मानता हूँ कांग्रेस ने, लेकिन बाबा इधर सुन लो ना, अभी सुन लो ना, और सुनो बाबा साहब को क्या दिया? बाबा साहब को कंस्टिट्यूएंट असेंबली में चाहता ना, कांग्रेस को उस समय इतने मेजोरिटी थे किसी को नहीं लेता, लेकिन फिर भी उन्होंने बाबा साहब जैसे आदमी को रखा। कोशिशों के बाद पहले दिन मनुवादियों ने बाबा साहब को संविधान सभा में जाने से रोक दिया, उनको चुनाव हरा दिया। बाबा साहब को अगर यदि नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन में लाने के लिए जिम्मेदार तो अंग्रेज थे, ओबीसी रिजर्वेशन की बात किसने कमेटी में लेकर आए थे? ये तो कभी कहते नहीं थे। पूना पैक्ट क्या जानते हो? आज जो रिजर्वेशन हो रहा है ना, ड्यू टू पूना पैक्ट के कारण ही हो रहा है, समझे? उसी में कब हुआ था? पूना पैक्ट कब हुआ था? कांग्रेसी मनुवादियों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं, साम दाम अपने को ही लेके आ जाएंगे। जाटव समाज के अलावा और कोई संविधान की आवाज नहीं उठाता था, लगता था कि जैसे जाटव समाज ने पूरे देश के संविधान को और अधिकारों को बचाने का ठेका ले रखा है। आज मैं देखता हूं कि समस्त एससी एसटी ओबीसी के लोग जाग चुके हैं। ये जागने का कारण है कि वर्तमान सरकार के अन्याय और जुल्मों के खिलाफ आज सारा देश का एससी एसटी ओबीसी जाग चुका है। नतीजा आप रामलीला मैदान में लाखों की भीड़ के साथ देख सकते हो, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। देखिए आज देश की सत्ता पर ऐसे अहंकारी लोग बैठे हुए हैं, मनुवादी लोग बैठे हुए हैं, जिन्होंने देश के सारे संविधान को खत्म करने का बीड़ा उठा रखा है। वो नहीं चाहते कि देश का, मोदी जी मनुवादी हैं, देखिए वो आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद,
जितने भी इनके जो संगठन है हिंदुओं के ब्राह्मण कथा से संगठन है उन्हीं से वो निकल के आए हैं और उन्हीं की वो बात करते हैं, उनकी कहनी करने में बहुत फर्क है। मोदी जी कहते हैं संविधान बदलने जैसा कहना भी आत्महत्या करने जैसा है। देखिए संविधान को उन्होंने खोखला तो कर दिया है, अब जो कुछ रहा बचा है वो ढांचे को भी खत्म करने पे तुले हुए हैं, तो उन पे कभी विश्वास मत करना। उन्होंने कहा था कि मैं देश की नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार दूंगा, मैं देश के लोगों को 15 लाख रुपए खाते में दूंगा, मैं समस्त देश के, आज उन्होंने देश के हमारे देश के जो जितनी भी सेना है। क्यों लग रहा है संविधान खतरे में है, क्यों बचाने की जरूरत पड़ रही है आपको? आज देखिए संविधान खतरे में था, इनके आते ही ये जाहिर हो गया था कि संविधान को खत्म कर रहे हैं, जितनी भी सारी धाराएं थी वो खत्म कर दी और इन्होंने अंदरूनी तौर पे इन्होंने अपना संविधान तैयार कर लिया है। उस अभी एक इन्होंने जो संसद में एक सेंगोल लेके आए थे, जन कहां से वो डंडा से उठा के ले आए, वो डंडा सा हमें संसद की कुर्सी के पीछे टांग दियो है कि हमने तो हिंदू राष्ट्र हो गया। वो हमें कराते थे ब्राह्मणों के द्वारा, पाखंडियों के द्वारा, उसमें उल्टे सीधे जाप करवाए गए। और मैं ये कहता हूँ संविधान देश की आत्मा है पाखंडियों, इस देश के संविधान को मत छूना, अगर इस देश के संविधान को छुओगे तो देश में तबाही आ जाएगी, तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं। धमकी दे रहे हो, धमकाना पड़ेगा इनको। इन्होंने हमारे देश को तबाही में डाल दिया, मेरे नौजवान को गरीब बना दिया, मेरे किसान को भड़का रहे हो आप। देखिए ऐसे देश तो भड़का हुआ ही है पहले ही, इनसे देश ऐसे नहीं भड़कता, ये पढ़ा लिखा शिक्षित समाज है, सब जानता है। आज इनको अगर यदि सत्ता से हटाना है, संविधान को बचाना है, तो तभी हम बच पाएंगे। पुराना हो गया संविधान, इससे पुराने तो इनके लाखों साल पुराने कथित वेद है, उन वेदों को बदल लो। संविधान तो देश की आत्मा है, संविधान कभी पुराना नहीं होगा। ये क्या कह रहे हैं आप? यहाँ अरे पुराना तो ये संघ वही होगा, जनसंघ है पुराने, तो हमारे बाप दादा होगा, उसको बदल डालेंगे क्या? ये देश भी पुराना हो गया है, 5000 साल पुराना। ये संविधान जो है इस देश की आत्मा है, इस देश की जान है। यदि संविधान नहीं है तो देश निर्जीव हो जाएगा। सरकार कहाँ? अरे मोदी, अरे सरकार का, सरकार कहती नहीं है। मोदी का सिस्टम देखो, सरकार क्या है? तोता है, तोते की जान जो है ना संघ के अंदर है। मोदी क्या है? बोलता है मैं पिछड़ा हूँ, मैं चाय वाला हूँ। यदि संविधान नहीं होता तो ये चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं होता। मोदी जी को पूछ रहे हैं। अरे कौन पूछ रहा है यार? मूर्ख लोग पूछ रहे हैं, जो अंध भक्त है, जिनका पाला जो है अम्बेडकर वादियों से पड़ेगा। हम संघर्षों के आदि हैं, हम अम्बेडकर वादी हैं। इस मनुवादी सरकार को, इस घटिया सरकार को उखाड़। आप आंदोलन जीवी हो? अरे हम आंदोलन जीवी नहीं है, तो ये भी तो चंदा जीवी हैं, ये भी तो राम का चंदा खाने वाले लोग हैं, ये जो राम की खाने वाले लोग हैं। वोट लेते हैं राम के नाम से, वोट लेते हैं ओबीसी के नाम से, और काम करते हैं अंबानी अडानी के लिए। विकास पुरुष है वो। अरे विकास का है का विकास यार, विनाश पुरुष बोलिए ना यार। हमारी जीडीपी कहाँ चली गई? हम बेरोजगारी में कहाँ चले गए? हम हैप्पी इंडेक्स में कहाँ चले गए? हम यार भूखमरी में कहाँ? दुनिया में डंका बज रहा है। अरे डंका बज रहा है खाली अंधभक्ति में, अंधभक्ति में। मोदी का विरोध करने का कितना? मोदी का विरोध क्या है? मोदी देश नहीं है, मोदी देश नहीं है। कितना पैसा लेते हैं मोदी का विरोध करने? अरे पैसा कहाँ का है? पैसा कहीं रहा ही नहीं, पैसा सारा अंबानी अडानी को चला गया भैया। चाइनीज फंडिंग हो रही थी क्या? अरे फंडिंग कहाँ हो रही? फंडिंग तो अडानी कर रहे हैं देश को। रेल बिक गया, तेल बिक गया, भेल बिक गया, अब ये देश बिकने वाला है। यदि 24 महीने मनुवादियों को उखाड़ के नहीं फेंका मनुवादियों ने, इस बाबा साहब के दलित महापुरुषों ने इसे ठाना है, और इन आरएसएस और मोदी को नकली देशभक्तों को कौन है मनुवादी? आप मनुवादी? अरे मनुवादी कर रहे हैं, 84% लोग ऐसे घूम रहे हैं, और 14% लोग जो है मलाईदार पदों पे हैं, सिंहासन पर बैठे हुए हैं। वोट हमारा राहुल गांधी कैसे हैं? अरे राहुल गांधी भाई साहब कब क्या, देश के युवा हैं, और अभी बोलते हैं कि भाई जिसको लोग वोट डालेगा प्रधानमंत्री बन जाएगा। कहते मोदी के बाद कौन? मोदी देश थोड़ी है, मोदी एक देश का एक नागरिक है, चाय वाला है, और चाय को हर 2 बार बना लिया, तीसरी बार चाय जहर हो जाएगी, इसलिए वो चाय को अरे वहाँ रेलवे स्टेशन पर उड़ेल देंगे। भाई किसका समर्थन करोगे? अरे समर्थन जो है, जो देश के संविधान की बात करेगा हम उसके साथ है। ये बहुजन लोग, ये देश के 85% कमेरा मजदूर वर्ग, अब इन मनुवादियों का संविधान की बात तो चंद्रशेखर और मायावती। अरे मायावती बात सुनिए, क्यों आप जाति की बात करते हो? यदि कोई मनुवादी आरएसएस का बोला तो देश का नेता, और यदि हम किसी की हक की बात करते हो जाति का नेता या किसी धर्म का नेता बन जाता है। तो भाई मीडिया वाले साथियों से मैं कहना चाहूंगा, मोदी को बोल देना, ए मोदी समझ जा,
नहीं तो ये लोग जो है ना रामलीला मैदान से परिवर्तन होने वाला है। अब ये जो आगाज है अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे समर्थन किसका है 2000 समर्थन क्या करेंगे हम है जो उसकी वोट डालेंगे। वोट का राज है, संविधान की देन है, जिसकी संख्या भारी बीजेपी का आदमी देखो। अरे कहा बीजेपी बोले तो बीजेपी देश का देश को बेच डाला, बीजेपी क्या है बताओ किसको वोट दो। अरे वोट दो जो अच्छा आदमी टूट गया। अरे गठबंधन की बात मत करो भाई, टूट गया।